आगच्छन्तु विद्यार्थिनः अस्माकं व्याकरणं पठामः और व्याकरण में हम चर्चा कर रहे थे संधि के बारे में और संधि में हम स्वर संधि की चर्चा कर रहे थे और स्वर संधि में हम भाग 7 तक देख चुके हैं। पिछले भाग में हम पूर्व रूप संधि की चर्चा कर चुके हैं और इस भाग में हम करेंगे पर रूप संधि के बारे में। बच्चों, पूर्व रूप और पर रूप एक अलग प्रकार की संधि होती है, कई बार एक ही समझ लिया जाता है लेकिन ये अलग संधि है। बच्चों आइए देखते हैं इसको, इसका पहला सूत्र है क्या कहता है। देखो, एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम सूत्र ये कहता है कि अवर्णांत, अवर्णांत यानी अ जिसके अंत में हो, अ या आ के अंत वाले उपसर्ग के बाद में, उपसर्ग के बाद में क्या हो, ए या ओ हो, ए या ओ से प्रारंभ होने वाला कोई धातु रूप रहने पर, ओ या ऐसे प्रारंभ रहने वाला कोई धातु रूप होने पर दोनों के स्थान पर रूप यानी एकादेश हो जाता है, बाद वाला वर्ण पर रूप संधि हो जाती है। यानी जैसे प्र, प्र प्लस, देखो प्र में क्या है, ए यानी उपसर्ग है। बच्चों पहली शर्त होनी चाहिए ए या आ से युक्त कोई उपसर्ग होना चाहिए और उसके बाद में क्या हो, ए या ओ से प्रारंभ होने वाला कोई क्या हो, धातु रूप रहने पर तो क्या हो जाता है, पर रूप हो जाता है। तो इसके उदाहरणों से और समझेंगे, ए या आ के बाद में ए हो यानी ए या आ से युक्त कोई उपसर्ग हो और उसके बाद में ए से युक्त कोई धातु रूप हो तो उसका क्या हो जाता है, ए ही हो जाता है यानी बाद वाला रूप है ना, बाद वाला पर रूप हो जाता है। ये पर रूप यानी बाद वाला रूप यानी जो बा प्लस के बाद में जो रूप है ना वही रूप हो जाता है, बाद वाला पर हो जाता है। उसी प्रकार से देखो प्र, प्र क्या है, पहली शर्त थी उपसर्ग है, ए है प्र के अंत में, ये भी समझ में आ रही है, और ए से युक्त क्या है, धातु रूप है। बच्चों तो बाद वाला जो रूप होगा ना इसमें क्या होगा, ए, तो क्या बन जाएगा, प्रेजते, क्या बन जाएगा, प्रेजते यानी इसका यानी यही इसी में मिल जाएगा, प्रेजते दोनों ए या ए और ए मिलकर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी ये क्या है, उस वृद्धि संधि का अपवाद है जो हमने पढ़ी थी, तो उसमें क्या होता था, आई हो जाता था, लेकिन यहां उपसर्ग से युक्त जो ए या आ से युक्त उपसर्ग के बाद में ए या ओ से युक्त कोई धातु रूप हो तो बाद वाला रूप उसमें मिल जाता है। जैसे प्र प्लस एशयति, प्र प्लस एशयति तो इसका क्या बन जाएगा, प्रेशयति। उसी प्रकार से परा प्लस ए लयति, परा प्लस ए लयति में जैसे पैरा प्लस ए लयति धातु रूप से युक्त होंगे बच्चों, ये आ और ए मिलकर क्या हो जाएगा, यहां बाद वाला हो जाएगा बस ए, तो परे लयति क्या बन जाएगा, परे लयति। उसी प्रकार से उप प्लस ए लयति, उपे लयति, उप प्लस ओषति, उपोषति, प्र प्लस ओषति, प्रोषति। तो बच्चों ये अच्छे समझ में आया होगा, चलते हैं आगे। अगला सूत्र है वार्तिक है ये, वैसे शकंदवादीषु पर रूपम वाच्यम यानी शकंदवादी जो शब्द है, शकंदु करकंदु इत्यादि जो शब्द है वो उनका भी क्या हो जाता है, पर रूप हो जाता है। जैसे शकंदवादी गण में पठित शब्दों में टी को पर रूप कार्य होता है। टी से तात्पर्य क्या है, देखो स्वर किसी शब्द के स्वरों में से अंतिम स्वर के आगे यदि कोई व्यंजन है तो वह पूरा समुदाय तथा अंतिम स्वर के आगे कोई व्यंजन न हो तो वह अंतिम स्वर ही टी कहलाता है। जैसे अचो अंत्यादि टी, जैसे मनश, आप समझो मनश यानी व्यंजन है अंत में और अंत से व्यंजन से पहले भी यानी अंतिम जो स्वर है ना उसके बाद का जो आगे का, जैसे मनश में मैं न, मनश में न में क्या है, ए है और उस एक्स के आगे जितना भी शब्द है ना, जैसे मनश में अष्टि है, क्या है, अष्टि है। उसी प्रकार से पतत में अपत हलंत है, इसमें स्वर नहीं है लेकिन इससे पहले जो स्वर है पतत में अत, अत टी हो गई बच्चों, यानी त में ए ना ऐसे लेकर त तक ये क्या होगी, टी होगी। उसी प्रकार से सक में ए टी है। अब देखो बच्चों जैसे सकंद, पहला उदाहरण देखते हैं, सक शक प्लस अंधु। अब इसमें देखो टी तो क्या है, ए है, ए टी है और आगे भी ए है, तो दोनों का मिलकर क्या हो गया, वही ए में ही पहले वाला ए मिल गया
और इसका क्या बन गया, शकंदु। तो बच्चों अगर टी इस प्रकार से नहीं मिलती तो क्या रूप बनता, शकंदु होना चाहिए था। तो यहां यही कहता है कि शकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम, यानी शकंद्वादि जो धातु होती है उनमें क्या हो जाता है, पररूप हो जाता है। उसी प्रकार से कर्क, कर्क में भी क्या बनेगा, करकंदु। ये फिक्स उदाहरण है बच्चों। उसी प्रकार से कुल प्लस अटा, और इस ले में ही ए मिल गया बस, तो क्या बनेगा, कुलटा। ये भी दीर्घ का अपवाद है। हल प्लस ईशा, और यहां भी हल में भी एटी है, और उसी में क्या मिल गया, ई मिल गया, तो रूप क्या हो गया, हलीशा। क्या हो गया, हलीशा। ये गुण का अपवाद है, वैसे इसमें क्या होना चाहिए था, हलीशा होना चाहिए था, लेकिन ये इसमें टी होने के कारण और इसका सूत्र में होने के कारण ये हुआ बच्चों। लांगल प्लस ईशा, लांगल में क्या है, एटी है, और इसी में ये मिल गया तो लांगलीशा, तो ये भी गुण का अपवाद हुआ बच्चों। तो सकंदु, करकंदु, कुलटा, हलीशा और लांगलीशा। आइए आगे देखते हैं। उसी प्रकार से मनस प्लस ईशा, बहुत बार देखा जाता है, तो मनस में अस्ति गई और ईशा जोड़ लो, क्या बनेगा, मनीषा। उसी प्रकार से पतत, पत है, अति का लोप हो गया और इसमें ए मिला तो पतंजलि रूप हो गया, क्या बना, पतंजलि हुआ। सीम में ए का लोप हो गया तो श्रीमंत हो गया, क्या हो गया, श्रीमंत हो गया। उसी प्रकार से यानी लोप नहीं है, एक तरह से पर रूप है, यानी उसी में आकर वो रूप मिल गया बच्चों। तो सार प्लस अंग, शार प्लस अंग, अब इसमें ए चला गया या पर रूप हो गया तो क्या बना, सारंग हो गया। उसी प्रकार से मृत प्लस अंड तो मार्तंड हो गया, तो यह भी दीर्घ का अपवाद है बच्चों। उसी प्रकार से अश्मन प्लस अंतक है तो क्या बना, अश्म प्लस अंतक है, अब जोड़ लो वही बनेगा अश्मंतक है, क्या बनेगा, अश्मंतक है। अन चला जाएगा इसमें, अन यानी पररूप हो जाएगा। अचो अंत्यादि टी होती है बच्चों, यानी अच के बाद में जो भी समुदाय होता है, यानी शब्दों का या वर्णों का जो समूह होता है वो सारा लोप हो जाता है या उसमें पररूप हो जाता है। अगला जो हमारा वार्तिक है ओ तो वो स्टयो समासेवा, यानी अकारांत शब्दों के आगे, अकारांत शब्दों के आगे क्या हो, अकारांत शब्दों के आगे क्या हो, ओतु हो या ओष्ठ हो, ओतु हो या ओष्ठ हो, यानी रहने पर विकल्प से पररूप एकादेश हो जाता है। ये कार्य समास होने पर ही होता है, ये कार्य समास होने पर ही होता है, पररूप के अभाव में यथा प्राप्त वृद्धि एकादेश हो जाता है। बच्चों देखो समझो, ए के बाद में क्या है, ए है सब जगह, देखो ए, ओतु है या ओष्ट है, ओतु है या ओष्ट है, तो ए और ओ मिलकर क्या हो गया, यहां पर रूप हो गया, तो यानी इसी में मिल गया बच्चों। यानी अब समझने की बात यह है कि आप ये मानो कि इसमें से ए का लोप हो गया या पर रूप हो गया, तो स्थूल लो ओतु मिल गया, और इसके अभाव में मैंने क्या बताया था, विकल्प से, और पर रूप के अभाव में यथा प्राप्त वृद्धि एकादेश हो जाता है। और वृद्धि संधि में हमने क्या पढ़ा था, ए के बाद में ओ हो, ए के बाद में ओ हो, तो वहां क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और इसमें कौन सा समास है बच्चों, कर्मधारय समास है, कौन सा समास है, कर्मधारय। और उसी प्रकार से बिंब प्लस ओष्ट, तो इसका क्या बनेगा, बिंबोष्ट है। यहाँ ए और ओ क्या हो गया, पर रूप हो गया बच्चों, और रूप बना बिंबोष्ट है, और यहाँ बहुव्रीहि समास है, और बिंबोष्ट जो बहुव्रीहि समास, और इसके कारण यहाँ पर रूप संधि हुई। लेकिन बच्चों अगर इसमें यहाँ पर रूप नहीं करे तो यहाँ वृद्धि होगी, बिंबोष्ट। उसी प्रकार से कंठ प्लस ओष्टम, कंठोष्टम और कंठोष्टम, यहाँ भी समार द्वंद्व है बच्चों। उसी प्रकार से दंत प्लस ओष्टम, दंतोष्टम यानी दंतोष्टम और दंतोष्टम, यह दो रूप बनेगा, यानी यहाँ भी समार द्वंद्व है। तो इस प्रकार से बच्चों ये यानी यहाँ कुछ नहीं है, यानी अ के बाद में ओतु या ओष्ट हो, ओतु या ओष्ट हो, तो वहां क्या हो जाता है, पर रूप एकादेश हो जाता है, और पर रूप के अभाव में वहां क्या, कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि हो जाती है। इस प्रकार से बच्चों आइए अगला सूत्र देखते हैं, ओमांगोष्ट। ओमांगोष्ट सूत्र यह कहता है कि ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में क्या हो, ओम हो, ओम ओम ओम, या आंग, आंग हो, या आंग, इसमें भी आंग है बच्चों, के रहने पर रूप एकादेश हो जाता है। तो सिवाय ओम, यानी ओम है ना ए के बाद में, तो इसी में ये मिल गया, सिवाय ओम,
ईश्वरायोम कदाप्लशोम कदोम सदाप्लशोम सदोम। यहां कौन सी संधि हो रही है? पररूप संधि। अब बच्चों देखो ये क्या है, शिव प्लस आ प्लस इ, यानी इसमें क्या है आ और ई मिलकर क्या होता है गुणे ए होता है, क्या होता है ए। तो शिव तो ऐसे लिख दिया और आ और ई मिलकर क्या हो गया ए हो गया, और ई ऐसे लिख दिया तो ये भी क्या हो गया पररूप हो गया, अंग है ना, आंग है ना इसके बाद में, इसलिए। तो बच्चों और उसी प्रकार से यदा प्लस आ प्लस उड़ा, आ और ऊ मिलकर क्या हो गया ओ हो गया, तो यदा प्लस ओड़ा तो यदोड़ा हो गया। उसी प्रकार से तदा प्लस आ प्लस उड़ा, यानी आ और ऊ मिलकर क्या हो गया ओ हो गया, तो रूप क्या बना तदोड़ा, क्या बना तदोड़ा। तो इस प्रकार से बच्चों हमारी जो ये पररूप संधि है, यानी दो रूपानी यानी पूर्व वर्ण और परवर्ण यानी बाद वाला वर्ण आकर एक हो जाते हैं, वही क्या कहलाती है पररूप संधि कहलाती है। और पररूप संधि में हमने क्या देखा, पहला जो सूत्र था हमारा एंगी पररूपम, एंगी पररूपम में हमने क्या जाना, यानी उपसर्ग से युक्त हो, यानी उपसर्ग हो और वह ए या आ वर्ण से युक्त उपसर्ग हो, और उसके बाद में कोई धातु रूप हो ए, देखो धातु रूप रहने पर ए या ओ से प्रारंभ होने वाला धातु रूप रहने पर तो क्या हो जाता है पर रूप हो जाता है। अगला देखा हमने शकंदवादी गण में जो पठित धातु है और उसमें टी का लोप कर दो या उसमें पर रूप कर दो उसको, उसमें कौन सी संधि हुई सकंदु करकंदु कुलटा हलीशा लांगलीशा, इसमें भी पर रूप हुआ। उसी प्रकार से बच्चों हमने देखा अगला सूत्र ओतुष्टयो, यानी ए के बाद में ओतु हो या ओष्ट हो तो उसमें भी क्या हो जाता है पर रूप हो जाता है, और पर रूप के अभाव में वहां कौन सी संधि की वृद्धि संधि की। उसी प्रकार से हमने अगला सूत्र देखा ओमांगोष्ठ, यानी ए या आ के बाद में ओम या आंग के रहने पर भी क्या हो जाता है पर रूप हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारी ये पर रूप संधि पूर्ण होती है बच्चों, और इसी के साथ ही स्वर संधि भी हमारी पूर्ण हुई। ये सारी स्वर संधि आपके अच्छे से समझ में आई होगी, इसी आशा और विश्वास के साथ अगले भाग में फिर मिलते हैं, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमो नमः, पुनर्मिलामः।